विभाग की अराजकता ने किसानों की बिजली की समस्याओं को लेकर ज्ञापन उप जिला अधिकारी को सौंपा। उत्तर प्रदेश में किसानों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, बिजली विभाग भी किसानों के साथ लूट खसोट कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अपनी मनमानी करती नजर आ रही है, जिससे किसानों को इस कोरोना महामारी में नकदी की समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है। पुलिस का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिससे किसानों का लगातार पुलिस शोषण कर रही है। किसानों की भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन लिखकर उप जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें पुलिस के भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचने और गन्ने भुगतान खरीदने के 14 दिन बाद मई ब्याज के देने के लिए सरकार से मांग की है। भारतीय किसान यूनियन अराजकता के जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी ने सरकार से उपरोक्त बिंदुओं की मांग की है। तहसील अध्यक्ष माखन सिंह का कहना है कि किसानों पर अत्याचार बहुत हो चुका है, अब भारतीय किसान यूनियन अराजकता टिकैत किसान पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन थानों और बिजली घर में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगी। इसमें कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धरना प्रदर्शन में मौजूद गुड्डू पाशा, सुमित, इरफान अली, नरेश प्रताप सिंह, धर्मेंद्र, जयवीर सिंह, अजय पाल सिंह, गुरमीत, दानिश चौधरी, शंकर सिंह ठाकुर, चंद्र विजय सिंह आदि मौजूद रहे। मामला ये था कि लाइन बहुत सरकार है, कई बार ज्ञापन दे दिए लेकिन वो अभी तक उनका सुधार नहीं हुआ। बिजली किसानों को मिल नहीं पा रही और 10-15 हज़ार रुपये इनका बकायेदार है, इस पर लाइनें काट रहे हैं, किसानों के ट्यूबवेल बंद कर रहे हैं। हमारा इतना कहना है कि जब हमारा भुगतान ही नहीं हुआ गन्ने का तो भाई किसान पेमेंट कहाँ से करें। तो हमने ये कही है कि जो छोटे किसान हैं जिस पर 10-20 हज़ार रुपये का आया, उसे जब तक हमारी फसल ना आवे तब तक उनसे वसूलिया भी नहीं करी है। अब ये बात है, हमें कोई वेतन तो मिलना रहेगा, साहब तनख्वाह मिलेगी, हम हाथ जमा कर देंगे, फसल के पैसा देंगे। भाई किसान पर फसल ही है, फसल का मिल नहीं रहा, गन्ना का पेमेंट नहीं मिल रहा हमें। क्या मांग की आपने आज? यही 3-4 मांगे थी। एक किसान सम्मान निधि का था, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत थी, NHI वालों से भी दिक्कत थी, वो मनकरा मोड़ वाली, तो उनके सामने भी हम सह रखी है। ये तो ये SDM साहब थे, CO साहब थे, बिजली के SCM थे, इनसे बात हुई है। इन्होंने कही है कि जो जड़ तार हैं उन्हें बदलवाएंगे, जो लाइनें ढीली हैं बिल्कुल, ये समझ लो कि अगर आदमी हाथ से छुए तो हाथ लग जाता है, उनमें पीछे दो आदमी, एक आदमी ख़त्म हो गया था ऑन द स्पॉट, एक इंजर्ड हो गया था। तो हमने कही है भैया उन्हें उनके तार खिंचवाओ और जो जहाँ जड़ रहे उन्हें बदलवा दो। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, आपकी मांगें पूरी नहीं होती है, फिर क्या करेंगे? फिर आंदोलन करेंगे, फिर बड़े स्तर पर करेंगे। अब इसकी समीक्षा में किस तारीख में करेंगे, किस तारीख में जिले की बैठक है, जब तक अगर उन्होंने को सुधार करा तो ठीक है, नहीं करा तो जिले में करेंगे। किसान टिकैत ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, क्या मांगे थी और किस चीज़ का विरोध जाहिर किया था? बस सप्लाई का था, तो शेड्यूल का सप्लाई प्रॉपर मिले इनको 2.5 घंटे, है ना जी। बाकी ये कह रहे थे कि जो है जहाँ पे ज़्यादा लाइनें हैं वो सही हों और जहाँ पे ज़्यादा गैप है, लाइन स्पैन लंबे हैं, उसके लिए उन्होंने बताया। सर, इनके कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि कोई भी बिजली अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करता। पहले करते हैं सुनवाई, ऐसा कुछ नहीं, जो भी हमारे इंडस्ट्री में हमने भेजे थे पहले, धरने वाले जो भी सैंक्शन होकर आते हैं मेरठ से, वो सब बदलवाए गए थे हमारे द्वारा। सर, इनकी जो समस्याएं हैं कब तक समाधान हो जाएगी? ठीक है सर, सर आज क्या है, किस चीज़ का ज्ञापन आपने लिया है? आज जो है यहाँ पर दलपतपुर में जो विद्युत केंद्र है, यहाँ पर किसान यूनियन के झंडे के अंतर्गत यहाँ क्षेत्र के किसान इकट्ठा हुए थे। उन्होंने मुख्यतः बिजली संबंधित जो उनकी मांगे हैं, एक दो मांगे उनकी NHI से संबंधित थी, राजस्व से संबंधित कुछ मांगे थी, उनको मुख्यतः से उठाया है। उन सभी के जो मांगे हैं उनको नोट कर लिया गया है और निश्चित ही जल्दी इसका समाधान किया जाएगा। ठीक है सर।